आज जो मैं आपके लिए दोस्तों गाड़ी ले जाऊँ वो आप देख के हैरान हो जाओगे, ये है हुंडई की स्टारिया। टोयोटा वेलफायर हो जाए, मर्सिडीज वी क्लास हो जाए, टोयोटा फॉर्च्यूनर, हाई क्रॉस, सारी एमपीवी, सारी एसयूवी, सब आप भूल जाओगे इस गाड़ी को देखने के बाद। इतने सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, इतनी तगड़ी लुक है इस गाड़ी की, और ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सेल होती है। तो दोस्तों ये है हुंडई स्टारिया और मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत ही डिटेल सा वॉक अराउंड। इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में, फीचर्स के बारे में बात करेंगे हम। बहुत ही तगड़े इंटीरियर्स हैं, इवन कीज़ में इतने सारे फीचर्स हैं, देख के आप हैरान हो जाओगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरा नाम है शिवम दोस्तों, आप देख रहे हैं टीम कार डिलाइट। चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, अदरवाइज आप इस टाइप की वीडियोस मिस आउट कर जाओगे। तो कुछ ऐसी गाइज आपको यहाँ पे कीज़ मिल जाती है, पीछे की साइड लेदर फिनिश मिलेगी, लॉक अनलॉक बटन दिया गया, टेल गेट ओपन कर सकते हैं आप यहाँ से, साथ में डोर्स को दोनों ओपन कर सकते हैं, इंजन को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी को प्री हीट या प्री कूल कर सकते हैं, पूरी गाड़ी को स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन से, एलेक्सा से, गूगल से, सबसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन, व्हीकल डेटा, यानी कि सारी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है। ये है गाड़ी की फ्रंट लुक एंड स्टारिया जो है ये कम्प्लीटली लोडेड मॉडल है। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है, थोड़ी बहुत आपको वर्ना की याद दिलवा रही होगी। एंड टू एंड DRLs यहाँ पे दिए गए हैं, हुंडई की बैजिंग, सेंटर में कैमरा, बहुत ही बिग साइज की ग्रिल, शैम्पेन गोल्ड फिनिश के साथ, सारी शैम्पेन गोल्ड फिनिश यहाँ पे भी मिलती है। यहाँ पे ADAS भी अवेलेबल है, सारे रेडार्स, कैमरा, सेंसर सब आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट एंड सो ऑन, सारे फीचर्स दिए गए हैं। और कुछ ऐसे गाइज आपको हेडलैम्प यूनिट मिल जाते हैं, बहुत ही पावरफुल हेडलैम्प दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोजेक्टर्स अवेलेबल है गाइज। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ आपको विजिबिलिटी मिलेगी वो आप सोचो, 6 प्रोजेक्टर्स के साथ। यहाँ पे डायमंड फिनिश दी गई है अंदर की साइड, ऊपर की साइड आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, फ्रंट में सेंसर्स दिए गए हैं, रियर में सेंसर्स, ORVM के नीचे कैमरा मिल जाता है, 360 कैमरा, ये टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और शैम्पेन गोल्ड फिनिश आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसे आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं गाइस, जो कि काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं, काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं। साइज इसका चेक कर लेते हैं, तो ये है 18 इंचेस के 285x55 सेक्शन टायर, एंड लुक एट द साइज गाइस, मतलब लिटरली मैं यहाँ से वहाँ तक वॉक कर सकता हूँ, इतना बड़ा साइज है इस गाड़ी का। सो जितना ये सेकेंड रो है उतनी ही थर्ड रो है, जनरली थर्ड रो कम्फर्टेबल नहीं होती, लेकिन थर्ड रो भी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल दी गई है, और सेकेंड रो तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास एरोप्लेन की तरह है। ऊपर आप देखेंगे तो डबल सनरूफ है, आगे नॉर्मल सनरूफ है और पीछे पैनोरामिक सनरूफ है, तो इतनी जगह है इस गाड़ी में कि नॉर्मल सनरूफ भी और फुल पैनोरामिक सनरूफ भी फिट कर रही है। लुक एट द हाइट दोस्तों, सो दिस इज द साइज ऑफ द कार। और ये है रियर लुक, और दोस्तों ये है LED टेल लैम्प, कितनी सारी यहाँ पे छोटे छोटे पिक्सल्स दिए गए हैं LED के, कंप्लीट LED टेल लैम्प आपको मिल जाता है। 3.5 इंजन है यहाँ पे, तो उसकी बैजिंग दी गई है, स्टारिया की बैजिंग, हुंडई के लोगो, सब शैम्पेन गोल्ड फिनिश में, साथ ही में लाइसेंस प्लेट की लाइट हैलोजन में है, यहाँ पे भी शैम्पेन गोल्ड फिनिश, स्पेयर टायर नीचे आपको मिल जाता है, टेल गेट आपको ओपन करने गाड़ी की चाबी से या फिर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टेल गेट, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट है, ये टोटल स्पेस आपको मिल जाती है, सीट्स को आप यहाँ पे प्रेस करके रिक्लाइन भी कर सकते हैं, और आई गेस इसको कम्प्लीटली आप फोल्ड भी कर सकते हैं और पीछे तक भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे स्पेस देखो गाइज, एक बारी इतना तगड़ा स्पेस आपको मिलता है, इसको आप आगे भी कर सकते हो, आपको बूट स्पेस चाहिए तो, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, सीट्स भी पूरी तरह से फोल्ड डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे इसे पीछे कर देते हैं और अब इसको क्लोज कर देते हैं, सो यहाँ से क्लोज हो जाएगा, यहाँ से ऑफ भी हो जाएगा। और रियर एक बारी लुक देखो गाइस, कितनी लॉन्ग गाड़ी, कितनी लंबी गाड़ी है ये, वाइपर भी ऊपर की साइड आपको मिलता है, और जो ग्लास है वो यहाँ तक ग्लास दिया गया है, सो पूरा ही इतना बड़ा ग्लास है। और अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में भी, सो फटाफट से यहाँ से इंजन अंदर से ओपन कर लेते हैं, सो गाइज ये है इंजन, V6 इंजन दिया गया है यहाँ पे, यानी कि 6 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है 3.5 लीटर्स का, सो दोबारा क्लोज कर देता हूँ। सो कैसे लगा आपको इसका एक्सटीरियर, आप फाइनली गाइज चेक करते हैं इंटीरियर्स कैसे अवेलेबल है। ऑल्सो ये
कमर्शियल व्हीकल की तरह भी यूज़ होती है, इंटरनेशनल मार्केट में नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल की तरह भी यूज़ होती है, बड़ी बड़ी जो फैमिलीज हैं यहाँ पे वो भी ये लेती है गाड़ी। मतलब आप किया कार्निवल का आप इसको ऑल्टरनेटिव मान सकते हो, हाई क्रॉस का ऑल्टरनेटिव मान सकते हो। तो आप चेक कर देंगे गाइस फाइनली इंटीरियर्स। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले चेकआउट दिस परफ्यूम दोस्तों, ये है इन्वॉल्व वन की मोहिटो लेमन। इसकी फ्रेग्रेंस एक चिल्ड कॉकटेल लाइक है, जैसे आप गाड़ी में एंटर करो ये ब्लास्ट ऑफ फ्रेग्रेंस मिलता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही कूल इसकी फ्रेग्रेंस है। सो ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ ये लीक प्रूफ ऑल वेदर ऑल सीजन परफ्यूम है एंड 45 डेज ही आराम से चल जाती है। तो अभी विजिट करें involvyoursenses.com पे, यूज कूपन को टीम का डिलाइट, वहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सारे ही प्रोडक्ट्स पर। तो गाइस कुछ ऐसी आपको यहाँ पे गाड़ी की चाबी मिलती है, बहुत ही बढ़िया लेदर फिनिश यहाँ पे दी गई है और डोर्स आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। तो इसे हम लॉन्ग होल्ड करेंगे तो डोर्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और दोबारा आप इसे लॉन्ग होल्ड करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे। रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है सारे डोर्स पे और साथ ही में यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं, वेलकम फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर एक लाइट भी दी गई है, जैसे मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ ऑफ हो जाती है, अनलॉक करूँगा मैं तो आप देख सकते हैं लाइट ऑन हो जाती है यहाँ पे। साथ ही में कीज़ को मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस साइड और इंजन पुश स्टार्ट बटन दिया गया तो इसको प्रेस करते हैं और ये है वेलकम फंक्शन। और इंटीरियर्स देखो गाइस बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर्स हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं सनरूफ भी अवेलेबल है, पीछे की साइड आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। और ये रियर सीट्स, एक छोटा सा ड्राइंग रूम है ये बेसिकली पूरा, इतना बड़ा कैबिन। और ये फ्रंट डोर की लुक आप देख सकते हैं, लाइट वाले रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं एल्यूमिनेशन के साथ। और यहाँ पे कंप्लीट एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है, बोस के स्पीकर्स, ट्विटर्स अवेलेबल हैं, बॉटल होल्डर्स, मल्टीपल स्टोरेज एरिया, यहाँ पे भी स्टोरेज एरिया। यहाँ पे फ्रंट में 2 पावर विंडोज मिलती है ऑटो अप डाउन के साथ। यहाँ पे पावर डोर लॉक स्विच, रियर पावर विंडोज नहीं दी गई बिकॉज रियर जो डोर्स में बैठे होंगे इनके ओनर्स आराम से रिलैक्स कर रहे होंगे, उनको अपनी प्राइवेसी चाहिए तो ड्राइवर उनकी पावर विंडो ऑपरेट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच, बॉटल होल्डर स्पेस, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जस्ट आगे बढ़िया सा स्टोरेज एरिया मिल जाता है, यहाँ पे भी स्टोरेज एरिया मिल जाता है, मतलब कमाल ही होगी दोस्तों। सेंटर में वहाँ पे स्पीकर अवेलेबल है, वहाँ पे ट्विटर्स। और ये हैं फ्रंट सीट्स, 4-way लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट, 8-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल यानी कि 12-way एडजस्टेबल सीट्स मिलती है। साथ ही में यहाँ पे सब जगह ऑल 4 जो हैं फुटवेल उसके नीचे आपको लाइट मिलेगी। यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया दिया गया है, एक USB पोर्ट, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक और USB चार्जर और यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया। इतने सारे स्टोरेज एरियाज हैं मैं गिन गिन के थक जाऊँगा। और गाइज यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है अंदर की साइड और यहाँ पे एक बॉटल होल्डर, कप होल्डर, सनरूफ। अब अंदर चलते हैं, पैर रखने के लिए प्रॉपर जगह है और यहाँ पे भी आई गेस फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर रखा हुआ, इसको बंद कर देते हैं। और ये है फ्रंट कंसोल, तो इसको ओपन करते हैं। पीछे की साइड से ओपन नहीं होता, पीछे की साइड अलग सिस्टम दिया गया, ड्रॉर्स वगैरह दिए गए, वो बाद में दिखाता हूँ मैं। पहले तो गाइस ये चेक कर लो, स्टारिया की लाइट, प्रॉपर इल्यूमिनेशन है और ये कैबिन की एकदम से जो रौनक होती है उसको ही बढ़ा देती है ये जो लाइट दी गई है। आगे ट्विन कप होल्डर स्पेस अवेलेबल है, इसके अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया स्टोरेज एरिया मिल जाता है, इस साइड भी कुछ हिडन स्टोरेज एरिया और बहुत ही डीप स्टोरेज एरिया दिया गया है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज एरिया अंदर, इसके नीचे की साइड भी आपको मिल जाता है। आई गेस ये रिमूव हो जाता है, ये रिमूव ही हो गया, तो ये रिमूव हो जाता है। तो बहुत ही तगड़ा स्टोरेज एरिया आपको गाइस यहाँ पे मिल जाता है ओवरऑल। और साथ ही में यहाँ पे आपको गियर बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे AC के कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाते हैं, हीटेड सीट, कूल सीट सारी अवेलेबल हैं, तो ये हीटेड है, ये कूल्ड है, यहाँ पे भी हीटेड सीट, कूल सीट्स, पार्किंग सेंसर फ्रंट रियर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो होल्ड फंक्शन, ड्राइव मोड्स, जो भी आप ड्राइव मोड चेंज करेंगे उस हिसाब से क्लस्टर चेंज होगा, नॉर्मल, इको या फिर स्पोर्ट मोड, इसको ऑफ कर देते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स भी बहुत पावरफुल दी गई है और इतने सारे कंट्रोल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। पार्किंग कैमरा, तो 360 कैमरा अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप सारी तरफ से व्यू देख सकते हैं, टॉप डाउन व्यू, ऊपर का व्यू, नीचे का व्यू, जैसे भी आप मूव कर रहे हो व्हीकल को
आपको यहाँ पे साइड का व्यू चाहिए तो यहाँ पे साइड का व्यू मिल जाएगा। और ऑटोमेटिक एसी अवेलेबल है, साथ ही में ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंडिया स्पेक में आपको 10.25 इंचेस का मिलेगा, यहाँ पे 8 इंचेस का दिया गया एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ। इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, नेविगेशन एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। रियर में भी जो एसी का कंट्रोल है वो यहाँ पे दिया गया, तो एसी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से आगे बैठे। और ये है ग्लव बॉक्स, इतनी दूर है पहुँचने में अलग एफर्ट लग जाता है, तो बहुत ही बिग साइज से ग्लव बॉक्स दिया गया। फुटबॉल एल्यूमिनेशन, ये है स्टेयरिंग व्हील की लुक, पेडल शिफ्टर्स, मेटल बटन्स दिए गए हैं ये, और फोर स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, लेदर रैप है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है, टिल्ट एडजस्टमेंट है सिर्फ। यहाँ पे कंट्रोल्स आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम कंट्रोल्स हैं, हेडलैम्प फॉग लैम्प के और वाइपर्स के। तो ऑडियो कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और MID कंट्रोल्स, साथ में ADAS के कंट्रोल। तो ये है इंस्ट्रूमेंट लिस्ट गाइस, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, ADAS, अटेंशन लेवल, डिस्टेंस टू MT, आउटसाइड टेम्परेचर, डिस्प्ले, सब कुछ ये शो करता है। ओवरऑल कैबिन के एल्यूमिनेशन हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM है, SOS एमरजेंसी स्विच, यहाँ पे LED लाइट्स जो कि सरप्राइजिंगली काफ़ी पावरफुल है। यहाँ से हम टेल गेट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम लेफ्ट वाला डोर ओपन कर सकते हैं, यहाँ से राइट वाला डोर ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से फ्रंट एंड रियर, तो ये है रियर सनरूफ कंट्रोल। और ये है फ्रंट सनरूफ कंट्रोल। और यहाँ पे वैनिटी मिरर विद एल्यूमिनेशन, यहाँ पे वैनिटी मिरर विद एल्यूमिनेशन। आप चेक करते हैं रियर सीट्स, कोई भी डोर ओपन होगा वार्निंग मिलेगी। ऑल्सो राइट साइड इंडिकेटर जब आप प्रेस करेंगे, लेफ्ट साइड इंडिकेटर प्रेस करेंगे, ब्लाइंड स्पॉट का व्यू मिल जाता है जो गाड़ी स्टार्ट करने में मिलेगा। अभी मैंने स्टार्ट नहीं कर रखी तो उसने नहीं दिखा रहा। और अब चेक करते हैं रियर डोर गाइस, जस्ट ऐसे आपने प्रेस करना है ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे है कर्सी लैम्प, तो अंदर आप आ रहे हो तो ऑलरेडी ये चीज़ जो एल्यूमिनेटेड रहनी चाहिए, सारी जो चीज़ें हैं कंफर्ट वाली चीज़ें वो सब आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। स्टारिया की सिल प्लेट आपको देखने को मिलेगी। ये हैं रियर सीट्स, फर्स्ट क्लास सीट मिलेगी, मैंने पूरी से ओपन करके रखी है। दोनों आप ऐसे ओपन कर सकते हो आराम से, तो वो भी ऊपर आगे तक ओपन हो जाता है। पीछे ये जो है ये एयरप्लेन की तरह दिए गए हैं ताकि जब आप नैप ले रहे हो तो ये आपको रेस्ट दे सके। दो यहाँ पे आर्मरेस्ट अवेलेबल है, एक आर्मरेस्ट इधर, एक आर्मरेस्ट इधर, इंडिविजुअल सीट्स में। साथ ही में यहाँ से जो है सीट को आप स्लाइड कर सकते हो आगे पीछे अगर आप करना चाहो। और जो कंट्रोल्स इधर अवेलेबल हैं वो कंट्रोल्स आपको सेम इधर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीटेड सीट्स, कूल्ड सीट्स, दोनों साइड आपको मिलेगी। एंड साथ ही में यहाँ पे जो सीट्स हैं कुछ ऐसे भी आप कर सकते हो, और जैसे होता है ग्रेविटी मूव जिसे बोलते हैं हम, कि पूरा ऐसे इसको हमने टिल्ट कर लिया वो हो जाती है। सो यू कैन सी, और आगे भी आप इसे कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर आपको यहाँ पे रिक्लाइन करनी है, आगे पीछे करनी है, तो यहाँ से हो जाती है गाइस। तो कुछ ऐसे हम यहाँ पे रिक्लाइन कर सकते हैं। फ्रंट सीट्स के बैक पे इधर पॉकेट दी गई है, ये मोबाइल पॉकेट है इस साइड, ये मोबाइल पॉकेट, ये मेन पॉकेट, सेम उधर भी। और यहाँ पे इवन ग्रॉसरी हुक भी अवेलेबल है, दोनों साइड ही आपको मिलेगा। और यहाँ पे कुछ सेफ्टी टूल किट रखी हुई है नीचे की साइड। और साथ में थर्ड रो भी पहले हम देख लेते हैं इससे पहले कि हम आगे वाला चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो ये है गाइस थर्ड रो, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। लुक एट द लेग रूम, क्रेजी लेग रूम यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर 6 फुट, 5 इंच, 6 फुट, 7 इंच का भी कोई बैठा हो तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, और यहाँ पे मल्टीपल बॉटल होल्डर्स, कप होल्डर्स, साथ में यहाँ पे रियर में मैनुअल सनशेड भी दिया गया, और विंडो भी आप रियर में मैनुअली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। AC वेंट प्लेस्ड है रूफ टॉप, और साथ में आपको रियर में एक कैबिन लैम्प मिलेगा। इस साइड भी सारी जगह AC वेंट्स प्लेस करे गए हैं, इधर भी, पीछे की साइड भी, आगे की साइड भी आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं देखने को। और अब अंदर चलते हैं, पहले इसको प्रेस करते हैं, ये क्लोज हो जाएगा।
और साथ में विंडोज़ रियर की आप ओपन करना चाहें तो कुछ ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। रियर में यहाँ पे सनशेड दिया गया जो कि ऊपर से नीचे तक आता है यहाँ पे, एज यू कैन सी, और हम इसे ऐसे फिक्स कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ये वाले फीचर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। डोर आप देख लो गाइज, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है, बोस के स्पीकर्स, बॉटल होल्डर्स दोनों साइड ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही में गाइज यहाँ पे ये वाली जो सीट है हम इसको आगे भी कर सकते हैं, तो शॉफर मोड हमें मिल जाता है कंप्लीट। और इन सीट्स के पीछे यहाँ पे जो रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो भी फिक्स हो जाता है। और यहाँ पे भी कुछ ट्विटर्स अवेलेबल हैं, ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे कोट हैंगर के साथ, मल्टीपल यहाँ पे एयरबैग्स दिए गए हैं, एसी के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्विन बॉटल होल्डर्स, इतने सारे बॉटल होल्डर दे रखे हैं। यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट्स और यहाँ पे कोट ड्रॉअर आपको मिल जाता है। तो नेक्स्ट लेवल स्टोरेज एरियाज है गाइस। ये है डैशबोर्ड की लुक, ये है नॉर्मल सनरूफ और ये है मेंटोस सनरूफ यानी कि पैनोरामिक सनरूफ। और रियर सीट्स अगेन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये गाड़ी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसी अगर आप चाहते हो कि और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए डिफरेंट डिफरेंट कार्स की, तो वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में दोस्तों। और ऐसी और मज़ेदार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहे तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दे दोस्तों।